हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम. सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7th और अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे ये दूसरा वीडियो है. इसके पहले लेक्चर नंबर 6th में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का बेसिक सीखा था कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, किसमें करंट सेम होता है, किसमें पोटेंशियल सेम होता है. उसके बाद कुछ सर्किट वाले क्वेश्चन भी किए थे जिसमें डिफरेंट रेजिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप और करंट फाइंड करना था, और एक ट्रिक भी सिखाई थी कि पैरेलल रेजिस्टर्स में करंट कैसे निकालें. तो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, 10th लेवल की थी, वही सब बताया था. आज लेक्चर नंबर 7 में थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट हम लेंगे और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आज हम करेंगे, एक पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होंगे और एक होगा इनफाइनाइट नेटवर्क सॉल्व करने का मेथड. आज जो पढ़ोगे होगा सीरीज पैरेलली पर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है. इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे दो वीडियो और करेंगे. नेक्स्ट वीडियो करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज पे. व्हीट स्टोन का पूरा एक सेपरेट वीडियो, किस लिए? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. कॉम्पिटिशन में भी सवाल आ रहे हैं पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक सेपरेट वीडियो करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का. व्हीट स्टोन के एप्लीकेशन भी हैं हमारे कोर्स में, तो उसको एक अलग से पढ़ लो पहले व्हीट स्टोन को बढ़िया से. और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का एक और वीडियो करेंगे, और उसमें नेक्स्ट वीडियो उसमें पढ़ेंगे सिमेट्री लॉ. कैपेसिटर में ये लॉ नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ाएंगे अच्छे से. और उसके बाद तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के चुटकियों में होने लगेंगे. तो सीक्वेंस में चलते रहो और क्वेश्चन लगाते रहो. तो माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला. कॉपी और पेन निकाल दें, चूहा खाना बंद कर दें और वीडियो को बीच बीच में पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. जब भी हम बोलें पॉज करो तो पॉज किया करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुद से सॉल्व करो, नहीं हो तब वापस यहाँ देखो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप नोट्स खुद से बनाएं, सबसे बेटर वो होगा. अदरवाइज आलसी लोग हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com पे जाके नोट्स को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. मैं कमेंट में उसका लिंक दे चुका हूं या दे दूंगा. तो आइए आज का ये छोटा सा खूबसूरत सा लेक्चर कंप्लीट करें. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पिछला वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, तब भी ये समझ में आएगा. बहुत बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे पुरानी यूज़ होंगी 10th लेवल की, बाकी नई चीज़ें सिखाएंगे. तो आज हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. पहला टॉपिक ले लेते हैं पोटेंशियल मेथड. अरे कोई नई चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है पोटेंशियल मेथड. तो इसमें क्या होगा, सर्किट में होगा सीरीज या पैरेलली पर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा. तो क्वेश्चन पहले से लिख लेते हैं. आज का सारा सवाल एक ही क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो यही करना है सारे सवाल में. चलिए पोटेंशियल मेथड के द्वारा सवाल नंबर 1, पॉज करिएगा वीडियो को, खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है. हम 3 रेजिस्टर ले रहे हैं, आर आर आर, यहाँ पे टर्मिनल ए, यहाँ पे टर्मिनल बी. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो बोलोगे बहुत हलवा है, रुक जाओ. हमने एक तार को छीला, यहाँ पे बांधा और यहाँ पे बांधा कनेक्टिंग वायर, फिर एक तार को यहाँ से यहाँ बांध दिया. अब हमसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो पॉज करके ट्राई करो, पॉज खुद से करो एक बार. तरीका शायद इसका आता हो, कैपेसिटर में सिखाया था, नहीं आता तो फिर से सिखा रहे हैं. क्या हो रहा है, तीनों पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं, R/3 आंसर आ रहा है. कोई बात नहीं, नहीं आया तो, अगर आ गया तो आगे बढ़ जाओ. ए का पोटेंशियल मान लो V, बी का पोटेंशियल मान लो 0, और कोई और पॉइंट होता तो उसका एक्स वाई जेड मान लेते. ए का वी, बी का 0. अब सुनो, अगर किसी तार में कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट मतलब रेजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, सेल नहीं है, इंडक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो तार में हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा. जैसे इस वायर में यहाँ पोटेंशियल वी लिखा, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पे भी वी. फिर यहाँ से इस तरफ बढ़ो, कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल वी, ठीक है. ये नहीं कि यहाँ बढ़ के यहाँ वी बोल दिया, नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टर आ गया. जब तक बीच में कुछ नहीं आ रहा है पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हुआ, कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ. जैसे यहाँ का पोटेंशियल आपने 0 मान लिया, ठीक है, दो टर्मिनल्स हैं, एक को वी मान लिया, एक को 0 मान लिया. भाई दोनों के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लो इमेजिनरी दिमाग में,
दिमाग में एक इमेजिनरी बैटरी ले लो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी मान लो, तो उसकी पॉजिटिव प्लेट पे प्लस वी, नेगेटिव प्लेट पे जीरो कर लो, डिफरेंस वी और जीरो हो गया। तो ए को वी दे दिया, बी को जीरो, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका होता है दिमाग में इमेजिन करके इमेजिनरी बैटरी का, ठीक है। खैर ये तो बात नहीं है, एक वी एक जीरो। अब समझो, क्योंकि बी पे पोटेंशियल जीरो माना, यहाँ कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी नहीं, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी रास्ते में कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी जीरो हो गया। अब नीचे ए और बी बना लो, कोई और पॉइंट तो है नहीं, होता तो वो भी बनाते। ए का पोटेंशियल वी, बी का पोटेंशियल जीरो, ये वाला रजिस्टर किसके बीच में है, वी और जीरो के बीच में। ये वाला रजिस्टर किसके बीच में है, वी और जीरो के बीच में है। ये वाला रेजिस्टर किसके बीच में है, V और जीरो के बीच में, यानी तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V और जीरो, ये भी V और जीरो के बीच में, ये भी, ये भी, ये तीनों अब साफ साफ किस में दिखाई पड़ने लगे आपको, पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3, ये तो सबको पता ही होगा। सो इज इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, तो कितना हो गया 3 बाई आर। यहां से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R बाई 3, ठीक है। पैरेलल में थे, सीरीज में लग रहे थे, पैरेलल में। अच्छा, हमने आपको एक चीज और सिखाई है कि पैरेलल में अगर बराबर बराबर रेजिस्टेंस, बराबर बराबर रेजिस्टेंस लगे हो n टाइम्स, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R बटे n। अगर बराबर बराबर रजिस्टर n टाइम्स लगे हो तो इक्विवेलेंट होगा R बटे n। n है कि वो कितनी बार अपियर हुआ, जैसे यहां बराबर बराबर कितनी बार अपियर हुए, 3 बार, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधा आप बोल सकते थे R बटे 3। कहाँ यूज करोगे फॉर्मूला, पैरेलल में। जैसे दो रेजिस्टर R R लगे होते तो R बाई 2, 5 लगे होते तो R बटे 5, क्लियर है। R R R 3 बार लगे हैं तो R बटे 3 सीधा लगा सकते हैं, R बटे n, क्लियर है। अगला सवाल देखें, मिटा दें इसको, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट हो तो V और जीरो रख लो, और दो से ज्यादा पॉइंट हो तो X, Y, Z सब मानना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगला सवाल लिया जाए, चल देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हर सवाल में कोशिश करेंगे कोई नया कंसेप्ट भी आ जाए। सेकंड सवाल, चलो यहाँ पे टर्मिनल ए, यहाँ पे टर्मिनल बी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सारे रेजिस्टर की वैल्यू आर 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 आर, ये इसका सिंबल समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तार आपस में टच नहीं कर रहे, ये इसके ऊपर से कुदा कर भेजा गया है, इसके ऊपर से गया है, ठीक है। ऐसे जब हुक टाइप का बना हो, मतलब ये तार इस तार को टच नहीं कर रहा, इसके ऊपर से एक तार नीचे है, एक तार प्लेन में ऊपर से, ऐसे बंधा है, कैसे बंधा, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ट्राई कर लें, ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई करो, हो गया, पॉज करके ट्राई करो। 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा, अभी भी टाइम था। ए का पोटेंशियल मान लिया V, B का पोटेंशियल मान लिया 0। अब इस तरफ तो रेजिस्टेंस है तो इस तरफ तो पोटेंशियल चेंज होगा, पर A का यहाँ पर V है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी V। B का पोटेंशियल 0 माना, यहाँ पे कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पे भी 0। समझ गया पोटेंशियल मेथड। अगर तार में कुछ और नहीं लगा है तो उस पूरे तार का पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। इस तरफ नहीं जा सकते, बीच में रेजिस्टर आ गया इधर भी। तो अब हमारे पास एक वी है, एक जीरो है। जरा यहाँ बना लो, यहाँ बनाया ए बी, ए को बोला वी पोटेंशियल, बी को बोला जीरो। चलो यहाँ से देखो, आर और आर किसके बीच में है, वी और जीरो के बीच में, तो लगा लो आर और आर सीरीज में दिख रहे हैं। एक तरह से 2R लगा है वी और जीरो के बीच में, एक तरह से 2R का रेजिस्टेंस वी और सीरीज में, भाई R प्लस R हो जाएगा ना, 2R। अच्छा, ये दोनों रेजिस्टेंस कहां से कहां हैं, V और 0 के बीच में हैं, यानी R और R फिर से लगे हैं कहां पे, V और 0 के बीच में। ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों रेजिस्टेंस किसके बीच में हैं, V और 0 के बीच में, ये तो टच नहीं कर रहा है, तो यानी दो रेजिस्टेंस और हो गए V और 0 के बीच में, R और R, ये भी हो गए,
फिर ये दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में थे ना तो एक साथ बनाया, ये दोनों सीरीज में है, ये किसके बीच में है, V और जीरो के बीच में, तो यानी एक और आ गया, इसको ऊपर बना लेते हैं, चलो R और R, तो आप ध्यान से देखो सारे जो R R थे वो V और जीरो, ये भी देखो V और जीरो के बीच में, ये दोनों भी देखो V और जीरो के बीच में, ये दोनों भी देखो V और जीरो के बीच में, ये दोनों भी V और जीरो के बीच में, तो एक तरह से देखें तो 2R 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 पैरेलल में है, चार बार 2R है पैरेलल में, अरे भाई ये RR जुड़ के 2R 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 पैरेलल में, यानी 2R 2R के रेजिस्टेंस पैरेलल में चार बार, तो मैंने बोला पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, जो सेम रेजिस्टेंस कई बार रिपीट हो रहा हो डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा हो, कितनी बार रिपीट हुआ, चार बार, तो R बटे 2 फाइनल आंसर। बोले समझ में आया भाई, ए और बी के बीच में क्या है, 2R 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 कितनी बार, चार बार, एक बार 2R, दो बार 2R, तीन बार 2R, चार बार 2R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, तो ये हो गया 4/2R, यहाँ से R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/4, तो देखो वही तो आ रहा R बटे 2, जो इक्वल रेजिस्टेंस n टाइम्स रिपीट हुआ उसको n से डिवाइड कर दो, ये पैरेलल में लगा सकते हो जब इक्वल हो, इक्वल नहीं होता तो सिंपल कंसेप्ट लगाते हैं, मान लो यहाँ 1 ohm 2 ohm 3 ohm 4 ohm, तो भाई जो प्रोसेस होता है वो लगाते हैं, हम तो मेथड समझा रहे हैं, मान लो ये 1 होता 2 होता तो 1 2 3, ये 3 होता ये 4 होता तो 7, फिर सब के सब किस में होते, पैरेलल में होते, क्लियर है, यहाँ बहरहाल आंसर R बाई 2 है, छाप लें। नेक्स्ट तरह का सवाल लें, ये हुक वाली बात भी समझ में आ गई, वी जीरो वाली भी आ गई, अच्छा कोई तीसरा पॉइंट हो तो उसको एक्स मानना पड़ेगा, दिखाएं, चलो देखते हैं, क्योंकि कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी सबके लिए, ये पॉइंट ए मान लो, यहाँ पॉइंट बी मान लो, ये रेजिस्टेंस आर 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 आर, अभी मैं इक्वल ले रहा हूँ क्योंकि हम तो बस तरीका बता रहे करने का, अब एग्जाम में 1 2 3 4 हो तो आप कर ही लोगे, हम तो बता रहे हैं सीरीज पैरेलल कैसे पहचानना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये अलग खुद से करेंगे, चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी डी, 4R, R बटे 4, 3R बटे 4, 4R बटे 3, ट्राई करें, पॉज करके, हो गया, हम बताएं, 1 2 3 4 5 हम करने जा रहे हैं, A का पोटेंशियल मान लो V, B का पोटेंशियल मान लो 0, A से इस तरफ आओगे तो पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा क्योंकि बीच में रेजिस्टर आ गया, बी से इधर चले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0, बोले समझ में आया, बी से इधर चले ना रेजिस्टर ना कैपेसिटर ना इंडक्टर ना बैटरी, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे पूरे वायर का पोटेंशियल वही रहेगा जो बी का माना है, 0 0 0 0। अब देखो सारे रेजिस्टर्स किसके बीच में है, पहला लगा है ए और इस पॉइंट के बीच में, दूसरा है 0 और इस पॉइंट के बीच में, तीसरा है 0 और इस पॉइंट के बीच में, चौथा 0 और, यानी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार ए बी से काम नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो ए है यहाँ बी है, ए का पोटेंशियल वी है, बी का पोटेंशियल 0 है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ए का एक रजिस्टर इससे बंधा है और बी का, ये बी का रजिस्टर सब इससे बंधे हैं, इस पॉइंट को चलो एक्स बोल देते हैं, अब काम बन जाएगा, एक पॉइंट हो गया एक्स, इसका पोटेंशियल भी एक्स मान लो, अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, जीरो और एक्स के बीच में, अच्छा ये भी हो गया, ये किसके बीच में है, जीरो और एक्स के बीच में है कि नहीं, ये वाला किसके बीच में, जीरो और एक्स, तो जीरो और एक्स में बना लिया, ये भी हो गया, ये किसके बीच में है, जीरो और एक्स के बीच में, ठीक है ना, अब बताओ हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, नहीं कर पाएंगे, कितना आसान सवाल है, ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में, उनके साथ आर किस में हो गया, सीरीज में, तो ए आर एक्स बी, ये कितना हो जाएगा, आर बाई 3 हो जाएगा कि नहीं, आर 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 पैरेलल में, तो आर बाई 3 है ना, आर इक्विवेलेंट इज आर बाई एन,
सेम रजिस्टर तीन बार रिपीट हुआ। अब R और R बाई थ्री किस में है, सीरीज में है। R इक्वेलेंट हो जाएगा R प्लस R बाई थ्री, तो 3R प्लस R 4R बाई थ्री इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ गया समझ में, पक्के से आ गया। एक और सवाल करा दें, ऐसे ही करोगे पॉज करके खुद से, वादा है ये, वादा है ये मेरा, पक्का बोलो। यहाँ समझ में आया कि एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स लेना पड़ गया। अब भाई सब इसके कनेक्टेड है ना, तो यही हमारा गुरु देवता है, तो इसको एक्स ले लेंगे, हे गुरु देवता। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके खुद से करोगे, ये वादा है ये मेरा। चलिए अब एक बढ़िया सा सवाल करते हैं हम लोग, यहाँ से कुचु 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 टीयू, यहाँ से कुचु 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 टीयू, यहाँ से कुचु 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 टीयू, यहाँ से कुचु 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 टीयू। इसको ला के यहाँ जोड़ दो, यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा के ये जोड़ दिया। ये है R, ये है R, ये है R, ये मेरे यार, और ये भी R। इसको बोला टर्मिनल ए, इसको बोला टर्मिनल बी, है ना। चलो बढ़िया सा ट्रायंगल वगैरह बना है। अब यही क्वेश्चन आपको पहले लेक्चर में दे देते तो हालत ख़राब हो जाती। चलिए चार ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ए बी सी डी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टू आर 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 बाई टू फोर आर। ट्राई करें, हो सकता हो कोई पॉइंट और मानना पड़े। 1 2 3 4 5, पॉज कर लो भाई, पॉज करके करेंगे इसको सॉल्व। हो गया, दो पॉइंट्स हैं ए और दूसरा है बी। ए के पोटेंशियल को मान लेते हैं वी, बी को मानते हैं जीरो। मैं करने जा रहा, करूं पक्का, ओके। तो ये रजिस्टर आर लगा है ए और बी के बीच में, ये रजिस्टर लगा है ए और इस पॉइंट के बीच में, ये रजिस्टर ए और इस पॉइंट के बीच में। ये बीवी तो है नहीं भाई, ए से इस तरफ बढ़ोगे तो सेम पोटेंशियल तो नहीं रहेगा, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, बी से भी इधर बढ़ के सेम नहीं, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, क्या किया जाए। ध्यान से देखो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बी से कनेक्टेड है इस रेजिस्टेंस के लिए, ये ए से कनेक्टेड है इस रेजिस्टेंस के लिए, और ये तार जो सीधा सीधा कनेक्टेड है उसका मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको मैंने एक्स बोला, तो यहाँ कोई रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर बैटरी नहीं, तो यहाँ भी एक्स। अब बड़ा आसान हो गया देखो, यानी एक पॉइंट और आ गया एक्स। अब हलवा है इसके बाद, ये रजिस्टर किसके बीच में है, वी और जीरो के बीच में, यानी ए और बी के बीच में। आर है ना, ये वी ये जीरो, अच्छा ये हो गया। अच्छा और ये रजिस्टर किसके बीच में है, बी और एक्स, या जीरो और एक्स के बीच में, मतलब यहां पे ये भी हो गया। ये रजिस्टर कहाँ पे है, ए और एक्स, वी और एक्स के बीच में, मतलब यहाँ पे ये भी हो गया। ये कहाँ पे है, ए और एक्स के बीच में, ये भी हो गया। ये कहाँ पे है, बी और एक्स के बीच में, हो गया। नाउ सॉल्व इट। अब ये तो आसान है ना, आर आर पैरेलल में, आर आर पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में, उनके साथ ये पैरेलल में, आर आर पैरेलल में कितना हो जाएगा, आर बाई टू। भाई बराबर बराबर के दो हैं तो आर बटे दो, और फिर ये एक्स पॉइंट, फिर ये भी आर आर पैरेलल में, तो ये भी कितना हो गया, आर बटे दो। ठीक है, आर बटे दो, आर बटे दो कितना हो गया, R सीरीज में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, R और R पैरेलल में, बोलो हो गया। ये R, नीचे वाला भी R, ये R बाई टू, R बाई टू ऐड हो जाएगा सीरीज में, R और R पैरेलल में। सो फाइनल आंसर विल बी A और B के बीच में, R और R पैरेलल में कितना आएगा, R बाई टू। सो द फाइनल ऑप्शन इज सी, R बाई टू, बोलो आया। तो इस तरह से कई बार एक एक्स्ट्रा पॉइंट मानना पड़ता है, ये वाले सवाल भी आपको हमने करा दिए एक्स्ट्रा पॉइंट वाले। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, मिटा दें इसको, कर लेंगे अब इस तरह के सवाल पक्का। चले इनफाइनाइट नेटवर्क पे एक और करना है, इसी का एक और करा दे।
अरे बहुत सवाल बन सकते हैं इसमें, है ना, कोई लिमिट नहीं है। जैसे देखो इसी का एक और सवाल देख लो, मिंगी 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 मिंगी, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 6 ओम, मिंगी मिंगी मिंगी, ये मान लो 12 ओम, मिंगी मिंगी मिंगी, और यहाँ मान लो एक लगा है 4 ओम, फिर यहाँ मान लो एक रजिस्टर है 2 ओम का, और ये जाके यहाँ कनेक्टेड है ऐसे, और ये यहाँ कनेक्ट कर लो, ये मान लो ऐसे कनेक्टेड है, और ये है 1 ओम का, और ये ऐसे कनेक्टेड है। दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बताओ, ट्राई करो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सुंदर लग रहा है ना सर, आती सुंदर की तीनू सुंदर छू सर ये, चलो भाई करके दिखाओ इसको, ये अंडे जैसा सवाल है। मैं करूं 1 2 3 4 5 करें हम, टाइम पास नहीं करने का, सवाल सॉल्व करने का हो गया। अरे बाबा मैं करने जा रहा है, चलो ए का पोटेंशियल वी, बी का पोटेंशियल 0। अच्छा क्या इस तरफ चल के वी भी रहेगा? नहीं, बीच में रजिस्टर आ गया। क्या इस तरफ वी भी रहेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पे होगा वी, बीच में कोई रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर बैटरी कुछ नहीं है, ये वी, यहाँ से कोई रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर बैटरी नहीं है, यहाँ पे भी हो जाएगा वी, ये 0, इधर चलेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0, ये तार इससे छुआ के रखा है, ये भी 0, तो दो ही यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल दिख रहे हैं, एक है वी एक है 0, एक है वी एक है 0। चलो देखते हैं डिफरेंट रजिस्टर, 6 ओम किसके बीच में है? वी और 0 के बीच में, तो 6 ओम को लगा लो, वाह भाई वाह। 12 ओम किसके बीच में है? वी और 0 के बीच में, तो 12 ओम को भी लगा लो, वाह भाई वाह। अच्छा 4 ओम कहाँ पे है? वी और 0 के बीच में, तो 4 ओम को भी लगा लो, वाह भाई वाह, ये तीनों तो लग गए। अब इसकी बात करो, 2 कहाँ पे है? वी और 0 के बीच में 2 भी है, तो 2 को भी लिख लेते हैं, ईशिछी ये 2 ओम, और बताओ ये भी हो गया। अब बचा 1 ओम, ये कहाँ पे है? वी और 0 के बीच में, ये भी है, यानी सब के सब किस में थे? पैरेलल में थे, बस दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो मैंने बोला ना आज ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल होता तो है पर दिखता नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा था, पर जब हमने एनालाइज किया इसको वी माना तो वी वी, ये 0 माना 0, ये 0, ये वी और 0 के बीच में, 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 जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो हम बोलते हैं पैरेलल दिख रहे हैं, ये सारे पैरेलल में हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5। इन सब का एलसीएम मेरे ख्याल से 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 ही इसमें सबसे बड़ा है ना, 12, ये 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 2 से करना पड़ेगा, 12 को कच्छो नहीं से करना पड़ेगा, 4 को 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 1 4 2 6 6 12 12 24 24 बटे 12। बोलो सही कर रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं है? 1 बटे 1 1 बटे 2 1 बटे 6 1 बटे 12 1 बटे 4, एलसीएम हो गया 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, 3 1 4 2 6 6 12 12 12 12 24, 24 बटे 12 कितना आया? 2, सो 1 by R equivalent is 2, सो R equivalent will be 1 बटे 2, बोलो सही है, फाइनल आंसर 1 बटे 2, क्लियर है? अब ऐसे सवाल और ना कराएं, तैयारी हो गई, समझ में आ गया, कर लेंगे अपने आप, एक होमवर्क में दे दें, पॉज करके, नहीं नहीं एक होमवर्क दे दें, कमेंट करके आंसर बताएंगे, ये वाला क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो सर कहाँ चले? अगले सवाल की तरफ चलना है हमको, लगाना है उसको, निकालना है कॉम्पिटिशन को, भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए। चलो ये बहुत ही प्यारा गोला, कुचुक
चुक सब जोड़ दिया इस बार, ये बोला हमने है मान लो R, ये बोला हमने है R, और ये है मान लो 2R, और ये है 2R, चेंज कर दिया, R R R नहीं करेंगे, इसको बोला A टर्मिनल, इसको बोला B टर्मिनल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड कमेंट दिस, जो सबसे पहले इसका सही आंसर कमेंट करेगा उसको मिलेगा क्या, मिलेगा लाइक्स मिलेंगे और क्या मिल सकता है यहाँ पे। चलिए करें इसको, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेबसाइट पे क्विज निकाला जाए, है ना, तो होपफुली बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा, तो हम यहाँ पे आपको लिंक दे देंगे, वहाँ जाके क्विज का आंसर करना, उसमें प्राइज रखेंगे, मजा आएगा, ठीक है, करेंगे इसको, इसका आंसर कमेंट करेंगे, ओके मिटा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं इन्फाइनाइट नेटवर्क की तरफ, जो आज का दूसरा पार्ट होगा, आज के लेक्चर का सेकेंड पार्ट, इन्फाइनाइट नेटवर्क, ये हमने आपको कैपेसिटर में पढ़ाया हुआ था, आज फिर से पढ़ा रहे हैं इन्फाइनाइट नेटवर्क, कुछ नया नहीं मिलेगा, वही चीज़ पूरी पढ़ाएंगे, इन्फाइनाइट नेटवर्क, जब इन्फिनिटी तक रजिस्टर का नेटवर्क फैला हुआ हो। चलो देखो, ए टीटिंग टीटिंग टीडिंग 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 टीडिंग, इसमें एक पर्टिकुलर अप्रोच बताएंगे, वही आपको लगानी होगी, और उससे थोड़ा इधर उधर करोगे आंसर बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सेम नेटवर्क रिपीट हुआ है इन्फिनिटी तक, दिस इज रेजिस्टेंस आर, दिस इज रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आ, रेजिस्टेंस आ, रेजिस्टेंस आ, 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 ठीक है, कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो अगर आपको आता है तो बहुत बहुत बधाई हो, आप इसका सही आंसर निकाल लेंगे, अगर नहीं आता है तो चलिए सीखना स्टार्ट करिए। क्या करना होगा जब भी इन्फाइनाइट नेटवर्क मिलेगा आपको, कि आपको पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस कुछ अज्यूम करना होगा। अब इन्फाइनाइट तक कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि सबसे पीछे वाले पे जाएं, आर आर का कैलकुलेट, सबसे लास्ट वाले किस में होंगे, दोनों ऐसे बंधे होंगे सीरीज में, तो उसका फिर निकालें, फिर उसका, फिर उसका, फिर उसका, फिर हमारी मौत हो जाएगी, है ना फिर हम किसी को बोल के जाएं, भाई ये काम कर देना हमारे लिए जीवन में, फिर पता नहीं वो कैसा इंसान निकले, आजकल लोग को भरोसा कहाँ है। हाँ तो वापस आते हैं, लोगों को भरोसा नहीं करना है, सवाल सॉल्व करना है, तो हम ऐसा करेंगे कि लेट अज्यूम कर लेते हैं, हटा सॉल्व भी नहीं करते, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन का, बिटवीन ए बी B, X, मान लिया कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है। अब एग्जाम में चार ऑप्शन में X तो दिखाई पड़ेगा नहीं, तो अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पूरे को X मान लिया, ठीक है, इनफाइनाइट तक गया, कौन निकाले, X मान लेते हैं। अब कुछ दिमाग लगाते हैं, दिमाग ये लगाना है कि आपको रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी है। यहां रिपीटिंग यूनिट क्या है, एक ऐसी चीज ढूंढो जिसको बार बार रिपीट करने पर नेटवर्क बन जाए, मेरे ख्याल से ये रिपीटिंग यूनिट है, आर 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 आर, ये एक रिपीटिंग यूनिट है, तो रिपीटिंग यूनिट ढूंढ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीटिंग यूनिट, वरना पता नहीं चलेगा आगे क्या हो रहा है, फिर अपने आप करके आओगे एग्जाम में, मतलब करते तो सबको ही है कॉपी में, रट लेते हैं किसको ऐसे करना है, कंसेप्ट ये कि रिपीटिंग यूनिट पकड़ लो, रिपीटिंग यूनिट आर 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 है, पकड़ लिया। अब एक काम करो, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के, चोर नहीं लिखा है, को छोड़ के को छोड़ के बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ दो तो बचे हुए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, एक रिपीटिंग यूनिट यानी आर आर को छोड़ दो, अब बचे हुए यहां से अंत तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ, X माइनस टू आर, नहीं यार X ही होगा, अरे इनफाइनाइट रेजिस्टर का X है, उसमें से दो हटा दो तो भी क्या रहेगा, X है तो रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या है? कोई आए अब तुमको मान लो पीट के चला जाए एकदम कायदे से, लास्ट में कोई छोटा बच्चा बोले कि हम भी एक घूसा मार ले, तुम कहोगे मार ले यार तू भी मार ले, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, तो वही बात है इनफाइनाइट, अच्छा ठीक है मुझे मार पड़ रही है, ठीक है नाराज हो गए डिसलाइक कमेंट ये, तो मैं ये कह रहा था कि यार ऑलरेडी इन्फिनिटी तक का रेजिस्टेंस जब एक्स मान चुके हो पूरे का, तो एक हटाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इन्फिनिटी,
यानी एक यूनिट हटाने से इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं आना, वो तब भी एक्स रहेगा, तो इस बचे हुए का भी कितना होगा एक्स। सो एक रिपीटिंग, ये तरीका है करने का, को छोड़ के लीविंग, इंग्लिश में बोल दे लीविंग वन रिपीटिंग यूनिट, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग कॉम्बिनेशन बी, लेट क्या कितना हो गई एक्स, दैट विल बी ऑल्सो बी एक्स। इफ यू लीव वन रिपीटिंग यूनिट एंड चेक ऑल द अदर यूनिट्स, इवन देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग कॉम्बिनेशन विल बी एक्स, एज इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी माइनस समथिंग इज इंफिनिटी ओनली, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ लीविंग दीज टू रेजिस्टेंस ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट विल स्टिल बी एक्स। हाँ सर, कान दर्द कर गया, समझ में आई बात? हाँ भाई ठीक है, तो भैया इसका भी पूरे का एक्स मान लिया, ये तरीका था, और इसका इक्विवेलेंट भी कितना है x, और इनको छोड़ के इन सब का भी x। अब देखो बड़ी खूबसूरत ट्रिक, यहां से कचर कुचूर कचर कुचूर काच, कचर कुचूर कचर कुचूर काच, यहां पे b कचाक, ये r, और इन सब को हटा के भुला के हम ले आए x। बोला आया समझ में? ये सब चलेगा इनका इक्विवेलेंट x। ये क्लियर हुआ इनका इक्विवेलेंट x ही क्यों है बचे हुए का? क्यों है भाई? क्योंकि पूरे का एक्स है, तो दो हटाने पे भी एक्स रहेगा। बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो इनके टर्म्स में, और ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या माना है एक्स, तो उसको एक्स से इक्वेट कर दो, दैट विल बी द आंसर। नहीं समझ में आया, चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक्स और आर किस में है? पैरेलल में। तो ए कचर कुचूर टा टटा 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 टटू टा ट्यू ट्यू, आर और एक्स इसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालो इन दोनों का, 1/r equivalent is equals to 1/r plus 1/x, LCM हो जाएगा rx, ऊपर आएगा x plus r, तो r equivalent हो जाएगा rx upon r plus x। बोलो सही है? ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 1/r plus 1/x क्या हो जाएगा, LCM हो गया rx ऊपर x plus r, तो rx upon r x plus r, तो ये r हुआ, ये हुआ rx by r plus x। अब ये दोनों किस में दिखाई पड़ रहे हैं? सीरीज में। अरे पैरेलल थोड़ी ना है, यहां से अगर करंट आई निकालोगे तो वही करंट इसमें जाएगा, वही इसमें आएगा, वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, दोनों किसमें है? सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हो, तो ए और बी के बीच में फाइनली कितना रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। बोलो सही किया यहां तक? पूरा प्रोसीजर समझ में आया? बहुत आसान था, मैंने कहा पूरे को एक्स मान लो, फिर एक यूनिट छोड़ दो, कौन सी यूनिट? रिपीटिंग यूनिट, ध्यान से देखना कौन सी चीज रिपीट हो रही है, उसको छोड़ के बचे हुए का भी एक्स मान लिया, उसको यहां लगा दिया, आर और एक्स पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट आया आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट हुआ आर प्लस आर एक्स बाई आर प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना एक्स, और तुम कह रहे हो इतना, यानी ये क्वांटिटी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, तो इसको एक्स से बराबर करके सॉल्व करने का है। रे बाबा किया जाए, ये सब मिटा दें, ओके ये भी मिटा देते हैं, लाइन बड़ी देर से लिखी थी, हाँ जैसे बोर्ड इसी का है, चलो तो हमने ये सब मिटा दिया। अब बोलो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट आप एक्स माने, और यहां से ये आ रहा है, यानी कि आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स, आपने x माना था और ये क्वांटिटी आ रही है, यहां से LCM होगा r प्लस एक्स, इधर भी मल्टीप्लाई होगा r प्लस एक्स इंटू आर, इसको भी मिटाओ, हाँ चलो यहां से LCM होगा r प्लस एक्स, यहां मल्टीप्लाई होगा r इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा r इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू आर प्लस एक्स, हाय राम, ये हो गया आर स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, एक आर एक्स एक आर एक्स कैंसिल, ये सब उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पॉजिटिव रूट ही लेना क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। इसके बाद मैथ्स स्टार्ट हो गई है, यहीं तक फिजिक्स थी कि पूरे को एक्स मानो, रिपीटिंग यूनिट ढूंढो, बचे हुए का एक्स मानो, फिर उसको लगा दो दोनों पैरेलल में, दोनों सीरीज में, इक्विवेलेंट ये आ रहा है, इक्विवेलेंट एक्स माना, इसको एक्स से इक्वेट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, टन 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 टन, नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। निकाले, छाप लिया, ये सब मिटा दें, ये सब मिटा दें, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे,
ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ b ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी माइनस आर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर अपॉन टू, ए की वैल्यू है वन। तो ये हो गया आपका r प्लस माइनस 5R स्क्वायर, तो R बाहर आ जाएगा रूट 5 बटे 2। तो यहाँ से दो रूट आपको दिखाई पड़ रही है, एक X की वैल्यू आएगी R माइनस R रूट 5 बटे 2 और एक X की वैल्यू आएगी R प्लस R रूट 5 बटे 2। दिस इज नॉट पॉसिबल एज दिस इज नेगेटिव, सी दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन R, ये 1 से बड़ा है, ये इसको कैंसिल करने लगे, सॉरी नेगेटिव में जाने लगेगा, दिस इज नेगेटिव हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आर इज कॉमन अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली, अंडर रूट 5 प्लस 1 बाय 2 इनटू आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इनफाइनाइट नेटवर्क सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ चुका होगा, यहां से पूरी मैथमेटिक्स लगनी थी। No, it's not cosmetics. कई लोग cosmetics सोच रहे हैं, छी, mathematics. मिटा रहा जाए, साफ है, negative value नहीं है, positive लेनी है, equivalent distance can be, cannot be negative. X क्या था, equivalent distance between A and B, तो final answer is R under root 5 plus 1 by 2. देखो पहचानने की बात है, मिटा रहा के देखो, अभी अगला सवाल दिखाते हैं। अगर आप रट के जाओगे exam में, कि एक काम करेंगे, बचे हुए को X मान लेंगे, कौन से बचे हुए? रिपीटिंग यूनिट के बचे हुए, एक रिपीटिंग यूनिट हटा कर जो बचे हुए, कई लोग सिर्फ रट के जाते हैं कि एक हटा के, एक रजिस्टर हटा के बाकी को ले लेंगे, तो रिपीटिंग यूनिट अगर आप नहीं समझ पाए हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करोगे। जैसे ये देखो अगला सवाल, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, वैल्यूज का आज कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज हो सकता हो डिफरेंट हो, आर आर ली थी हमने, आर टू आर होती, वन टू ओम होती, इस तरह की बहुत देता है, जैसे हमने आर आर ले ली थी ना, आर 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 आर, तो एग्जाम में वन और टू कर देता है बहुत बार, या वन वन कर देता है, या टू टू कर देता है, तो वैल्यूज तो आप खेल लोगे ना, आपको कंसेप्ट मेन चीज थी समझना। जैसे मान लो अब ये सर्किट आपको दे दें, हम इनफाइनाइट नेटवर्क दे रहे हैं, बस हो गया ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमसे कहा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर 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 आर, हो सकता है उसकी कुछ वैल्यू हो, वन ओम टू ओम, वन ओम टू ओम, रिपीट होना चाहिए, अब ऐसा नहीं वन टू थ्री फोर कर दिया है ना, वन टू ऐसे हो, रिपीट। चलो ट्राई करो, इसको पॉज करके ट्राई करो, सीधा फाइनल आंसर पे पहुंचो, और उसके बाद ही पॉज का बटन खुलना चाहिए, और अगर आंसर सेम आता है तो कमेंट में लिखो मैंने कर दिखाया वो तो सर मैं ऐसे भी लिख दूंगा झूठो, शर्म नहीं आती, आती है डिसलाइक करूंगा। हाँ जाओ वापस, बहुत बातें हो गई, चलो देखते हैं इसको, इसमें रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी पड़ेगी, रिपीटिंग यूनिट इसमें इधर तो आ रहे नहीं, अगर मैं यहां से काट लूं तो क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आर रिपीटिंग यूनिट नहीं है, तो कुछ सोचना पड़ेगा क्या है रिपीटिंग यूनिट, इसकी रिपीटिंग यूनिट है आर 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 आर, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है आर 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 आर, तो एक आर आर को छोड़कर यहां से काट लोगे, पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल कॉम्बिनेशन बिटवीन ए बी बी एक्स मान लिया, फिर एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ दो, ये रिपीटिंग यूनिट ध्यान से देख लो आर 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 दिखनी चाहिए, क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, अगर मैं इसको उठाकर बार बार रिपीट करूं तो यही नेटवर्क बन जाना चाहिए। रिपीटिंग यूनिट का मतलब कि ऐसी चीज देखो जिसको उठाकर हम खच 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 कॉपी करें तो वापस यही स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, तो ये है वो चीज, इसी को कॉपी करना है। तो एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ के परदेसी जाना नहीं मुझे, छोड़ के बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
कितना होगा, एक्स ए होगा, तो एक को छोड़ दिया, बचे हुए को यहाँ से उठा लिया, ये इन सब का इक्वेलेंट भी एक्स होगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से ए उठाओ, कुचुर 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 कुचुर, बी ये कितना है आर, कुचुर 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 आर, और यहाँ से सब हट गए, इनका इक्वेलेंट कितना है एक्स। बोलो आया, सबको हटा के एक्स लगा दिया। इसको अब सॉल्व करो, आर और एक्स किस में है इस बार, सीरीज में। यहाँ से कोई करंट निकालो, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें, जो करंट इसमें वही इसमें, तो ये दोनों किस में हो गए सीरीज। यहाँ से कोई करंट गया कुछ इसमें जो इसमें गया वो इसमें, ये दोनों किस में दिख रहे हैं सीरीज, तो आर और एक्स सीरीज में। तो ए कचर 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 टिंग टिंग, यहाँ से करंट आई निकाल के चेक किया करो, इसमें गया आई वन, इसमें गया आई टू, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, यानी दोनों सीरीज में है। सीरीज में देखने के लिए क्या देखते हैं, करंट सेम हो, है ना, तो बच्चों वाली बातें थी। खैर हाँ वापस आते हैं, तो ये रहेगा हमारा आर, और आर और एक्स सीरीज में, सीरीज में कितना हो जाता है ऐड हो जाएगा आर प्लस एक्स। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस एक्स। यार पैरेलल में दो रेजिस्टर का एक ये भी सीखा हुआ था आपने, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में लगा सकते हैं ना, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो ये लगा देते हैं, आओ आर इक्विवेलेंट विल बी आर वन आर टू, यानी आर इंटू आर प्लस एक्स अपॉन आर वन प्लस आर टू, वहीं से आया है वन बाई आर वन वन बाई आर टू, से भी लगा सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है हमारी कैलकुलेशन से, और कितना होना चाहिए ये एक्स, तो ये पूरा एक्स के बराबर कर दो, यानी आर इंटू आर प्लस एक्स अपॉन आर प्लस एक्स किसके बराबर होगा एक्स के। इसको उधर इसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट है, सॉल्व कर लो, इसको इधर लेके जाओ, सो दिस विल बी, बोलो ये उधर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वेयर प्लस आर एक्स, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू आर प्लस आर, कितना हो गया टू आर प्लस एक्स। बोलो सही कर रहे हैं, ये टू आर प्लस एक्स इधर गया मल्टीप्लाई होने, ये आर स्क्वेयर प्लस आर एक्स। अच्छा तो ये कितना आएगा, चलो ये आर स्क्वेयर प्लस आर एक्स, और ये हो गया टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इधर जाके इस बार माइनस होगा, तो एक्स स्क्वेयर और ये टू आर एक्स में से एक आर एक्स गया, तो एक आर एक्स बचेगा प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। बोलो सही कर रहे हैं, टू आर एक्स एक आर एक्स कटा आर एक्स, सॉल्व फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर। बोलो सही कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, कितना है माइनस, तो ये फिर प्लस हो गया, डिवाइड बाई टू ए कितना है वन, तो ये हो जाएगा हमारा, कहाँ किया जाए, इसको मिटा लें, छाप लो, मिटा रहे हैं, ओके। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सी देखो नेगेटिव है, a की वैल्यू वन है टू, तो यहां से आ जाएगा माइनस आर प्लस माइनस आर रूट फाइव बाई टू, वही आ रहा है देखो, है ना, इस बार यहाँ माइनस लगा है, तो दो आंसर होंगे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आर रूट फाइव बाई टू, या एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आर प्लस आर रूट फाइव बाई टू। दिस इज नॉट पॉसिबल एज दिस इज कम्प्लीटली नेगेटिव, ये हो सकता है, ये पॉजिटिव है, देखो आर कॉमन हुआ, अंडर रूट फाइव माइनस वन पॉजिटिव वैल्यू है, डिवाइड बाई टू, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। आगे इनफाइनाइट नेटवर्क सॉल्व करना, क्या देख लेना, रिपीटिंग यूनिट हो सकता है, यहाँ वैल्यू दी हो वन टू वन टू वन टू, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ये वन टू और ये कितना हो जाएगा एक्स, टू और एक्स किस में हो गए सीरीज में, तो टू प्लस एक्स वो वन के साथ पैरेलल में, इक्विवेलेंट निकाल लो उसको एक्स से इक्वेट कर दो, क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे, अगला वीडियो लेके आ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, एक कंप्लीट वीडियो व्हीटस्टोन ब्रिज में, और उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट पोटेंशियल मेथड वाला जरूर यूज करेंगे, और उसके बाद लाएंगे सिमेट्री लॉ का एक बहुत धासु वीडियो जिसमें हर तरह के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।